वालेकुम मेरा नाम फयाज़ अहमद है चतराल अपडेट्स में आपको खुश आमदेद कहते हैं आज हम ऐसे एक चतराल के काबिल फ़खर बेटे के पास मौजूद हैं जो जो कि पुलिस में अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं रिसेंटली जो है डिस्ट्रिक्ट खैबर में इनकी तैनाती हुई है यहाँ पर ये डी पी ओ जो है तैनात हुए हैं यहाँ पर आके चूंकि कबायली इलाका है, है। यहाँ पर जरगा सिस्टम है तो इन्होंने जरगे का जो सिस्टम है उनका फ़ायदा उठाना शुरू किया क्योंकि यहाँ पर तनाजा बहुत ज़्यादा हैं कत्लो गार दुश्मनियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो उन्होंने जरगे सिस्टम का भी इस्तेमाल किया है और इसको इस्तेमाल करके पैंतीस साल की जो दुश्मनी है उसको दोस्ती में बदल दिया है अब भी मज़ीद भी कोशिश कर रहे हैं इमरान हमारे साथ मौजूद हैं बहुत शुक्रिया इमरान फायदा थैंक यू वेरी मच हम तो आपके फैन हैं और आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आप तशीफ लाए हैं ये जो आपने यहाँ पे जरगा सिस्टम वगैरह का जिक्र किया बेसिकली ये जो ज़िला ख़ैबर है ये एक कबाइली इलाका है बेसिकली यहाँ पे 2018 तक ये एफ रूल के तहत यहाँ पे एफ का जो कानून था उसके मुताबिक चलता था तो उसमें यहाँ में, में जिरगे को एक अहमियत हासिल थी लेकिन ए, उसके मल्टीपल इश्यूज थे कि उसमें उसमें यहाँ के जो लोअर टर है उसमें उनकी कोई सह नहीं थी और मतलब यहाँ पे कलेक्टिव पनिशमेंट का था कि मेरी कौम का अगर किसी ने कोई गलती की तो मेरी पूरी कौम को सजा दी जाती थी तो उसके इस तरह के मतलब उसमें ए, कुछ ऐसे उसके एस्पेक्ट्स थे कि वो जो हमारे मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के साथ वो मतलब इन सिंक नहीं थे तो अभी जिस जिरगे वगैरह की हम बात करते हैं ये प्रॉपर मतलब जो यहाँ के मशरान है और जो दोन दोनों पार्टीज हैं असल में ये फाटा के एरिया होने की वजह से यहाँ पे लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं मसले मसाइल बहुत होते हैं और लोगों की दुश्मनियाँ बड़ी सीरियस कस्म की होती हैं और फिर लोग ये नहीं देखते कि इसमें क्या हो नुकसान होगा वो फिर अपनी जान की बाजी लगा देते हैं तो और फिर वो लग रहता है बेशक आप उनको पकड़े उनको नस्लों तक, दुश्मनी, तक दुश्मनी, दुश्मनी चलती रहती है तो ये थोड़ा सा तमहीद थी तो ये जिस दुश्मनी का आपने जिक्र किया उसमें ये था कि ये कोई तीस पैंतीस साल यहाँ पे एक दो अच्छी फैमिली थी यहाँ पे विला फैमिली थी उनकी उनके मतलब अच्छी कौम कौमियत के भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं लेकिन उनकी मजबूरी थी कि मतलब एक साइड से एक बंदा कत्ल हो जाए फिर वो दूसरे से लाजमी हो जाता था कि वो कितने कत्ल हुए थे दोनों तरफ से तकरीबन पाँच छः ही कत्ल हुए थे होते और काफ़ी सारी इंजरीज़ हुई थी क्योंकि काफ़ी सारे वो एक दूसरे के ऊपर फायर किया लेकिन अल्लाह ने उनको मोर्चे बनाए एक दूसरे के मोर्चे बना के उन्होंने बाकायदा क़िले बनाए क़िला नुमा तमाम के घर होते हैं और वो एक दूसरे को उसमें काफ़ी मतलब उनका नुकसान उठाना पड़ता है वो इस चीज़ को फील भी करते हैं लेकिन यहाँ पे इज्जत का एक जो ट्राइब ऑनर है ट्राइबल ऑनर है उसको करते हुए फिर वो बाज नहीं आते वो मतलब इस चीज़ को के वो कहते हैं कि अब मतलब मेरी बारी है मैंने कत्ल करना है इस तरीके से लेकिन अल्टीमेटली द गुड सेंसिस प्रवेल्ट और फिर हमने भी अपना रोल पुलिस ने भी ए, उसमें हमने बहुत ज़्यादा क्योंकि हमें मसाइल बेसिकली हमें फ़ेस करना पड़ रहा था कि वो फिर लड़ाई करते थे और बड़ी हेवी वेपन रे यूज़ होती थी उसमें तो फिर हमें मौके पे जाके और इस तर, उसको डील करना फिर केस रजिस्टर करना फिर केस को परसू करना बहुत ही कम अरेसम प्रोसेस होता है उसको तो हमने भी अपनी एफर्ट की और अल्लाह तला ने हमारी मदद की बल्कि मैं उसका क्रेडिट इलाके के जो मौजिन मशरान है यहाँ के उनको दूँगा कि उन्होंने रीड लीड रोल प्ले किया और हमने हर तरीके से उसको फैसिलिटेट किया हमने मतलब किसी के उनके पर कोई इस तरह के रेड हमें वांटेड थे दोनों फैमिली से लोग हमें मतलब इस तरह के केसों में हमें वांटेड थे लेकिन हमने कोई रेड टार रेड या उनको अरेस्ट की तरफ नहीं गए हमने उनको चांस दिया उनके साथ तो इस तरह करके ए, उसका नतीजा ये निकला कि ये तीस पैंतीस साल की दुश्मनी ख़त्म हो गई और अब भी अल्लाह का शुक्र है कि दोनों एक दोस्ती की सूरत में रह रहे हैं और उसकी वजह से पूरे इलाके को फ़ायदा हुआ है क्योंकि ऐसे दुश्मनियों से फिर इलाके वाले भी लोग परेशान रहते हैं मतलब उसमें उनका भी एक नुकसान होता रहता है उसके एक साइड इफेक्ट इस कि में लोगों को भी उसको सहना पड़ता है तो ये मैं आप ये मैं तो आपने तफसील से बता दी आप चतराल से ताल्लुक रहे चतराल में तो लोग मोहब्बत करने अमन पिलाने वाले लोग हैं और आप उसकी मिसाल बन रहे हैं यहाँ पर आकर बड़ी अच्छी बात है अल्लाह करे आप मजीद भी इस तरह के जितने तनाजा हैं उनको खुश असलूबी से आप हल करें इमरान जो है एक इमेज जो है पुलिस का बहुत सख्त होता है मैं देख रहा हूँ आपको फॉलो करता हूँ कि आप जो है हमेशा बड़े उसका पीसफुल कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करती हैं तो ये रोल पुलिस के बारे में बड़ा सख्त होता है कि बड़े सख्त होते हैं और जो है उनके बारे में और भी मनफी चीज़ें जो हैं वो हम सुनते आ रहे हैं देखते भी आ रहे हैं लेकिन आप उसको उस जो एक तास है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं हर जगह आप जा रहे हैं मुकर और बातचीत तो ये किस तरह आपने ये आपकी बाई नेचर आपके अंदर के अंदर है ये चीज़ ये बिल्कुल जिस तरीके से आपने हमारे इलाके में भी देखा होगा कि लड़ाई झगड़ा किसी चीज़ का हल नहीं है और मतलब पुलिस के निजाम को भी अगर आप देखें ना जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है हमारा हमारी बहुत सारे जो अगर आप सेक्शन ऑफ लॉ देखें वो अल्टीमेटली अगर कंप्रोमाइज़ हो जाए तो वो कोर्ट में भी मतलब कंप्रोमाइज़ की राजनामा जिसको हम कहते हैं राजीनामे की बेस पे वो ख़त्म होता है तो मैं चाहता हूँ कि ये राजा पहले ही हो जाए और मतलब ये कोई एग्जेशन नहीं है इधर के जो मलकान मशरान थे आप यकीन करें कि वो पुलिस के निजाम को इधर आने में बहुत ज़्यादा ज़्यादाफ थे उनको मतलब था कि कहीं पर आके जो हमारा सिस्टम है हमारा सिस्टम है उसको तो मैंने उस चीज़ को फील किया कि यहाँ पर उन लोगों के साथ हमने रूटीन की पुलिसिंग नहीं करनी मतलब जो रूटीन में पुलिस का एक तरीकेकार होता है आप बेशक इंडिपेंडेंटली इसको वेरीफाई कर सकते हैं तमाम इधर के जो इलाके के मौजूद हैं मैंने अपनी भरपूर कोशिश की उसमें टाइम ज्यादा देना होता है हमें कई कई दफा शाम तक रात तक देर गए जिरगों में बैठना पड़ा लोगों को बैठाना पड़ता है बात करनी पड़ती है उसके बजाय हमारे लिए ये बात बड़ी आसान है कि बस बंदा पकड़ ले उसको जेल भेजे और अपना काम खत्म करें लेकिन उस वो हल नहीं होता चीज़ का तो आप आप इसको और सोर्सेज भी वेरीफाई कर सकते हैं ये माशराम लकान भी अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बारे में यही ख्याल रखते हैं कि मैं इस चीज़ का बड़ा कायल हूँ कि ये जो मसले मसाइल हैं ख़ास करके लड़ाई झगड़ों के हाँ कोई स्टेट के ख़िलाफ़ ना हो कोई दहशतगर्दी ना हो मिलिटेंसी ना हो तो ये लड़ाई झगड़े जो होते हैं आपस के हमारे अपने ही भाई होते हैं अपने ही लोग होते हैं हमारे अपने शहरी होते हैं किसी इशू की वजह से अगर वो आपस में हैं तो उनकी सुलह कराना मेरे ख्याल में इस्लाम के भी आये मुताबिक है और हम भी बाई नेचर मतलब इसी तरीके से चीज़ों को देखते बचपन से देखते आ रहे हैं कि लड़ाई झगड़े को को मतलब अच्छे तरीके से हल करना चाहिए बजाय उसको प्रोलॉग करने इमरान लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि यहाँ के पुलिस के बारे में बिलामूम देखें पूरी पुलिस के बारे में कि कल्चर है कि तंग करते हैं सिपाही लेवल शहरी को यहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा था तो उसको आप चेक एंड बैलेंस किस तरह कर रहे हैं कि जो रिश्वत होता है या जेब गर्म करने की मुहिम होती है उस पर आप नज़र रख रहे हैं कि लोगों को शहरा शहरीओ को बिला वजह तंग तो नहीं किया जा रहा है जो साइलिन आते हैं स्पेशली उनको तंग तो नहीं किया जा रहा नहीं बिल्कुल आपकी बिल्कुल ठीक ऑब्जरवेशन है लेकिन मैं आपको गुजारिश करता चलूँ कि एक तो मतलब मैं अपने डिसिप्लिनरी स्टेटस्टिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगा कि हमने मुतद लोगों को जो चीज़ विथ प्रूफ़ हमारे नोटिस में आई है हमने किसी को स्पेयर नहीं किया यहाँ पे कि हम उसको उससे नज़रअंदाज कर ले या उससे आंखें फेर ले हम बिल्कुल उसको टेक इनटू अकाउंट करते हैं और उनको बाकायदा सज़ा दे देते हैं और कई एक लोगों की को मेजर पनिशमेंट यहाँ पर मिली है हमारे हम तमाम को ब्रीफ़ करते हैं बिहेवियर के हवाले से डिसप्लिन के हवाले से कि भई और मतलब लोगों को, को के साथ ए, ए, किस तरीके से इंटरेक्ट करना है हम जहाँ कहीं भी नया बंदा मैं पोस्ट करता हूँ मैं उसको बाकायदा रिक्वेस्ट के अंदाज़ में उसको बता के भेजता हूँ कि भाई आपने शरीफ लोगों के साथ कोई हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं है हर जगह मेरा मानना है अगर क्रिमिनल भी आपको मिले उसको सलाम करना है उसको सर कहना है हाँ अगर उससे कोई चीज़ निकल आई है उसके बाद फिर आपने कानूनी कार्रवाई उनके साथ करनी है हमारी कोशिश बहुत ज़्यादा होती है मैं मीडिया का मशहूर हूँ हमारे जो इस तरीके से सिविल सोसाइटी है वो हमें बड़ी असट करती है लेकिन बात यह है कि जब कंक्रीट प्रूफ के साथ कोई चीज़ सामने आए तो हम किसी को कंट्रोल नहीं करते किसी को माफ़ नहीं करते और बाजी दफ़ा जाहिर है कोई पुलिस के खिलाफ एलिगेशन भी लग जाती है कोई पुलिस वालों को कहना होता है कि नहीं हम अपनी कार्रवाई करते और ये ठीक बंद नहीं था तो इसकी वजह से ये मेरे खिलाफ इल्ज़ाम लगा रहे तो उसमें फिर बड़ा मतलब बैलेंस रखना पड़ता है कि फोर्स का मोराल भी डाउन ना हो और लेकिन यह है कि कोई भी हम नहीं चाहते कि मतलब हमारे नज़... हमें पता हो और बंदा गलत काम करे यह नहीं हो सकता हम पूरी अपनी कोशिश करते हैं ठीक है जी बहुत शुक्रिया इमरान एनर्जेटिक यंग अफिसर कोशिश करते हैं जहाँ भी जाते हैं तो आज यहाँ पर आने का इतफाक़ हुआ बहुत अच्छे अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी काविश जो है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए जितने भी तनाजात हैं दुश्मनियाँ हैं उसको उसी तरह जरगे सिस्टम के जरिए और ये बाकाये तौर पर आईजी जो सबक आई थे ये जो मौजूदा आई जी उनकी भी यही कोशिश है इन्होंने भी इस पर ज़ोर दिया है कि जो मामूली तनाजाब बाजों का हम देखते हैं कि अगर वो थाने में हाल होते हैं तो उनको अदालत तक न जाने दिया जाए क्योंकि जो पर्सनल दुश्मनियाँ होती हैं जो ज़ाती तनाज़ात होते हैं और फिर आखिर में शदत अख्तियार करते हैं जैसे कि इमरान ने बताया कि पैंतीस साल चालीस साल तक ये दुश्मनियाँ रहती हैं नस्लें जो हैं इसमें तबाह हो जाती हैं बहुत अच्छी कोशिश है हर पुलिस को चाहिए तमाम जितने भी पाकिस्तान की पुलिस हैं उनको कोशिश करने चाहिए कि ऐसे छोटी छोटी दुश्मनी हैं अगर वो आगे बनकर एक बड़े लेवल पे चले जाते हैं तो कोशिश होनी चाहिए मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल और हमारा जो चैनल उसको सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो लाइक कीजिएगा कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो आपको इस तरह लगी मज़ीद वीडियोस के लिए सजेशन भी दे सकते हैं फिर अगले किसी टॉपिक के साथ मौजू के साथ एपिसोड के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे अपने होस्ट फयाज़ को इजाजत दीजिएगा अल्लाह हाफिज़